2018 में रिलीज हुई परमानु और सत्यमेव जयते की सफलता के बाद जॉन अब्राहम पर्दे पर स्पाई थ्रिलर के साथ लौटे हैं। जॉन अब्राहम की फिल्म रोमियो अकबर वाल्टर यानी कि रॉ सिनेमाघरों में आज रिलीज हो चुकी है। रॉबी ग्रेवाल के डायरेक्शन में बनी मूवी में मौनी रॉय, जैकी श्रॉफ और सिकंदर खेर लीड रोल में है। देशभक्ति से लबरेंग जॉन की मूवी को बॉलीवुड सेलेब ने शानदार रिस्पॉन्स दिया है। जी हाँ, बता दें कि अक्षय द्वारसी ने रॉ देखने के बाद जॉन को कहा कि एक जलित किरदार को सहजता और सरलता के साथ निभाया गया है। सिकंदर खेर शानदार रहे। जैकी श्रॉफ ने सरप्राइज किया है। जैकी श्रॉफ स्क्रीन पर काफी ज्यादा बेहतरीन दिख रहे हैं। बता दें कि रॉ एक इंटरेस्ट मूवी है जिसका स्क्रीन प्ले स्मार्ट है और मूवी के ट्विस्ट भी आपको काफी पसंद आने वाले हैं। इसी के साथ बताते चलें कि हर्षवर्धन राणे ने मूवी देखकर कहा कि रॉ को इतने बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है कि आप उन सभी को गले से लगाना चाहेंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। जॉन ने अपनी आत्मा फिल्म को दे दी है। डायरेक्शन शशांक खेतान ने फिल्म को अच्छा बताया है और डायरेक्टर मिलाप ने भी मूवी को टेरिफिक और शानदार बताया है। इसी के साथ सुचरिता कृष्णामूर्ति ने रॉ को रॉकिंग बताया, तो वहीं अभिषेक बच्चन को अपने बेस्ट बडी जॉन अब्राहम की मूवी देखने का बेहद इंतजार है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रॉ पसंद नहीं आ रही है। एक यूजर ने लिखा कि रॉ में कई कमियां हैं, रफ्तार धीमी है, डायरेक्शन डरावना है और कहानी खराब लिखी गई है। लेकिन बताते चलें कि बॉलीवुड सेलेब्स रॉ देखने के बाद सरप्राइज्ड हो चुके हैं। अब वक्त बताएगा कि रॉ किसको टक्कर दे के आगे निकलती है और किसको टक्कर दे के अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरा करती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी अपडेट्स के साथ। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हर खबर से अप टू डेट रह सकें और देखते रहिए PMS मीडिया।